हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शरीर पर तिल होना क्या संकेत करता है, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपके शरीर के किस भाग में तिल आपको क्या बताता है। तो चलिए इसी की जानकारी हम ले लेते हैं। वैसे तो तिल हम सभी के शरीर पर होते हैं, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ये हमें जन्मजात होते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी मनुष्य के शरीर पे कहीं पे भी तिल हो सकता है, लेकिन ये सभी तिल हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ललाट से। ललाट के दाहिने यानी सीधे हाथ की तरफ का तिल किसी विषय विशेष में निपुणता बतलाता है, लेकिन बाई यानी उल्टी तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। आपकी आईब्रोज में तिल भी आपको बहुत कुछ बतलाते हैं। दाहिनी तरफ अगर आपकी आईब्रो में तिल है तो ये आपके जीवन को सुखमय, और बाईं तरफ तिल है तो दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। आँख पर तिल, दाईं आँख पर स्त्री से मेल होना एवं बाईं आँख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। पलकों पे तिल, आँख की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है, दाईं पलक पर तिल वाले बाईं वाली की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। कान पे तिल, कान पर तिल होना लंबी आयु होने का संकेत होता है। नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है, महिलाओं की नाक पर तिल होना उनके सौभाग्यवती होने की निशानी होता है। होठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय होते हैं, यदि तिल होठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। मुंह पर तिल, मुखमंडल के आसपास तिल स्त्री पुरुष दोनों के सुखी संपन्न एवं सज्जन होने के सूचक होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है, उसका जीवन साथी सज्जन होता है। गाल पर तिल, लाल तिल शुभ फल देता है, बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। कंधों पर तिल, दाएं कंधे पर तिल होना निडरता का सूचक है और बाएं कंधे पर तिल होना डरपोकता का सूचक माना गया है। दाहिनी भुजा पर तिल होना, ऐसे तिल वाला जातक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है, लोग उसका आदर करते हैं। बाएं भुजा का तिल, बाएं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है, उसका सभी जगह निरादर होता है, उसकी बुद्धि विचलित रहती है। कोहनी पर तिल पाया जाता है तो ये विद्वानता का सूचक माना गया है। हाथों पे तिल होना, जिसके हाथों पर तिल होते हैं वो चालाक होते हैं, गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होते हैं, दाईं हथेली पर तिल हो तो बलवान और दाईं हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो धनवान होते हैं। दाईं हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला तथा बाईं हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो कंजूस होता है। अंगूठे पे तिल, अंगूठे पे तिल हो तो व्यक्ति कार्य कुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। जिसकी तर्जनी पे तिल हो वो विद्वान, गुणवान और धनवान, लेकिन शत्रुओं से पीड़ित होने वाला होता है। अनामिका पे तिल, जिसकी अनामिका पे तिल हो तो वह ज्ञानी, यशवी, धनी और पराक्रमी होता है। मध्यमा पर तिल, मध्यमा पर तिल होना उत्तम फलदायी होता है, व्यक्ति सुखी होता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण रहता है। कनिष्ठा पर तिल, कनिष्ठा पर तिल होना व्यक्ति संपत्तिवान होता है किंतु उसका जीवन दुखमय होता है। गले पर तिल होना, जिस व्यक्ति के गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है, मित्र सच्चे होते हैं, गले के पृष्ठ भाग पर तिल होना जातक कर्मठ होता है। कमर पर तिल होना, यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल हो तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर तिल होना, अगर किसी जातक की पीठ पर तिल है तो वो व्यक्ति भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी, रोमांटिक हो सकता है, वो व्यक्ति घुमक्कड़ भी हो सकता है, ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं, वायु तत्व के होने के कारण ये धन संचय नहीं कर पाते। पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है, ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन व मिष्ठान प्रेमी होता है, उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है, ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है, दाएं पैर पर तिल हो तो उद्देश्यपूर्ण यात्राएं होती हैं, तो वहीं अगर बाएं पैर पर तिल है तो बेकार की यात्राएं होती हैं।
तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि आपके शरीर के तिल आपको क्या बताते हैं, आपके शरीर के तिलों का क्या महत्व है। अलग अलग जगह के तिलों के अलग अलग महत्व होते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।